purtroppo ne vediamo questa lì. आज अभी जोहर का नमाज़ पढ़ चुके हैं और उसके बाद अभी चलते हैं कहीं पे टहलने के लिए, और इससे पहले आपको घर पे कहाँ तक काम हुआ है वो आपको दिखलाते हैं। चलिए आगे तक बढ़ेंगे। कटिंग का काम चालू हो चुका है, इधर काम कटिंग हो गया है और इधर आपको लगभग लगभग कटिंग तो हो चुका है। इधर देख सकते हैं कल तक काम नहीं हुआ था और आज बाहर का फिनिशिंग तो हो चुका है, और जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि अभी तक फिनिशिंग बाहर का हो चुका है और कुछ काम बाकी है, और अंदर का आपको दिखलाते हैं। जैसे कि देखिए ये आज आपको इस साइड का लगा हुआ है, अभी कुछ काम इधर बाकी है, ठीक है। और देखिए जैसे कि पिछले वीडियो में देख रहे थे ना, अभी काम लगभग लगा आपको फिनिशिंग हो गया है साइड का, और कुछ यहाँ पर बाकी रह गया। जैसे कि आपको दो तीन दिन तक काम लगभग लगभग फिनिश हो जाएगा, और ऐसे ही बने रहिए और आपको मिलते हैं फिर अगले वक्त पे। अभी जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, मिलते हैं फिर किसी और वक्त पे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी घर से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ चौक पे, और गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, पेट्रोल डालूँगा और हो सकता है तो कल गाड़ी को वॉश करूँगा। और गाड़ी का हालत देखिए कैसा, अभी से देख सकते हैं अभी कितना ठंड है इधर, और देखिए बाइक का कंडीशन और कितना गंदा है, कल इसको धोना पड़ेगा। और अभी चलते हैं चौक पर से आते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या हुआ था। अभी घर आते वक्त ना इधर देख सकते हैं रोड का कंडीशन, और आते हुए मालूम चला कि इधर गाड़ी लुक चुकी है नीचे की तरफ। और देखिए ये दाई भाई ट्रैवल्स है बीच से जनपुर चलने वाला, और इसका कंडीशन देख सकते हैं क्या, इसका हालत बहुत ख़राब है। और पैसेंजर था कि नहीं था वो तो नहीं पता, पर गाड़ी ये रोड बहुत चालू है ना। और देखिए यहाँ पर लगभग लगभग एक्सीडेंट होता ही रहता है इस रोड से। और चलिए चलते अभी आए घर की तरफ, और बने रही वीडियो इसी तरह, और जाते घर पे और देखते हैं घर का काम कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। 4 बज चुका है और अभी असर का अजान भी पड़ा है, और अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी वजू करेंगे उसके बाद जाएंगे नमाज़ पढ़ने, और इसे ही बने रहिए। और देखिए मशीन का भी आवाज़ आ रहा है, और मिलते हैं कल की वीडियो में। और चलिए अभी के लिए।